हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली तारक मेहता शो में दिव्य वेशभूषा कार्यक्रम पूरा होने वाला है और बस जेठालाल का तारक मेहता शो मेकर्स ने सस्पेंस रखा हुआ है कि आखिर जेठालाल क्या बनेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जेठालाल क्या बनने वाला है। सबसे पहले लगा कि जेठालाल बन सकता है श्री कृष्णा, लेकिन वो तो टप्पू बन गया। लेकिन फिर ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि वो सूर्य देवता या फिर कुबेर बने, लेकिन जेठालाल ने तो कोई वेशभूषा ही नहीं बनवाई, यानी कि जेठालाल कोई देवी देवता नहीं बल्कि कुछ और ही बना है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि टप्पू सेना ने कहा था कि हर एक सोसाइटी मेंबर को कोई देवी देवता या फिर कोई अलौकिक शक्ति बनकर आना है। अब देवी देवता तो सब बन गए, लेकिन दोस्तों, इंसान से बड़ी अलौकिक शक्ति आखिर कौन सी हो सकती है इस दुनिया में। और मैं राम रहीम वाला इंसान नहीं बल्कि सचमुच का इंसान की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। शायद राम रहीम जैसे बाबाओं को तो खुद पर शक होता है कि वो इंसान बोलने योग्य भी है या नहीं, इसलिए अपने मन की तसल्ली के लिए उन्हें अपने नाम में इंसान लगाना पड़ता है। लेकिन जेठालाल यहाँ पर बन के आएगा सचमुच का इंसान। आखिर इंसान से बड़ी अलौकिक और अद्भुत शक्ति इस दुनिया में कौन सी है। इंसान ही है वो जिसने इस धरती पे इतनी प्रगति की है, क्या क्या आविष्कार नहीं किए, कितनी लैंग्वेजेस बना डाली, क्या क्या अद्भुत चीजें बना डाली इस धरती पे। और आज से सिर्फ 100 साल पहले कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इंटरनेट, स्मार्टफोन, फेसबुक, यूट्यूब या आजकल जैसे गैजेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन इंसानों ने ही इतने कम समय में संभव करके दिखाया है। तो दोस्तों, आखिर इंसान से बड़ी अलौकिक शक्ति कौन सी हो सकती है भला। तो जेठालाल यही अलौकिक शक्ति बनकर आने वाला है इस दिव्य वेशभूषा स्पर्धा में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस पा सकें।